हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो बस अभी हम लोग बैठे हुए हैं नीचे, अभी रात का टाइम है और इनाया जो है दादी के साथ खेल रही है। और वो दादी को इसलिए पटा रही है क्योंकि उसे चाहिए मोबाइल दादी का, तो इसीलिए वो थोड़ा सा दादी को मस्का लगा रही है और बोल रही है कि मैं ऊपर बैठ जाऊं। तो सोच रही है मैं किस तरीके से बैठूं, कैसे, कोशिश कर रही है बैठने की, चढ़ने की, ये देखिए। क्योंकि वो इसलिए चढ़ रही है क्योंकि उसको दादी का मोबाइल चाहिए और मोबाइल जो है सामने रखा हुआ है, क्योंकि मम्मी अभी बात कर रही थी तो मोबाइल सामने ही रख लिया था। और जब उसको मोबाइल मिल जाता तो बहुत खुश होती है, वो बटन दबाने को मिलते हैं ना इसलिए। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट डे है और दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें ऑयल डाल रही हूँ, तो इसमें बनाऊँगी मैं अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी जो है मम्मी ने छील के रख दी थी क्योंकि मैं नहीं छीलती हूँ खुजली की वजह से। और ये मैंने प्याज लहसुन जो है छील कर रखे हैं और दो तीन प्याज जो है मैं काट लूँगी, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ प्याज फ्राई भी करूँ इसमें, मसाले में तो बनाऊंगी लेकिन इसमें प्याज भी फ्राई करके डालूं, क्योंकि उसका टेस्ट जो है बहुत अलग आता है और मुझे अच्छा लगता है अगर किसी सब्ज़ी में प्याज फ्राई करके डली हो तो वो सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है। तो इसीलिए तो बस ऑयल गर्म हो गया था तो उसमें मैंने अजवाइन डाल दी है और प्याज को जो है फ्राई कर दी है। और प्याज जब तक फ्राई होगी तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो बस अभी प्याज तो उसमें फ्राई कर ही दी है, तो उसमें प्याज जो है मसाले में कम डालूंगी, दो प्याज डालूंगी काट के और लहसुन डाल दिए सारे। और ये जो प्याज रख ली है वो मैंने कद्दू के लिए रखी है, कद्दू बनाऊंगी। तो बस इसमें मैंने मसाला जो है डाल दिया है पेस्ट पीस के, और इसमें मैंने गरम मसाला भी जो साबुत गरम मसाला था वो भी पीस लिया था। और अब मैं इसमें सूखे मसाला डाल दूंगी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। तो बस इसको मिक्स कर दूंगी और अब ये प्याज काट लूंगी मैं कद्दू के लिए। तो अब आप लोगों ने जैसे बोला था कि आप जो है तेल कम खाया करें और धनिया भी कम डाला करें, तो बस मैंने आप लोग आज देख रहे होंगे कि मैंने तेल जो है कम डाला है और धनिया भी कम ही डाला है। वैसे मैं 3 चम्मची तो डालती हूँ, वरना आज मैंने 2 ही चम्मची डाली है। और थोड़ी सी मिर्ची मैंने बाद में डाली थी, वो कलर वाली मिर्ची है, मतलब उससे रेड मिर्ची है वो लाल कलर की ज़्यादा, तो उससे थोड़ा सा डालने से क्या कलर आ जाता है, तो इसलिए मैं डालती हूँ। और मसाला भुनना है तो मैं अभी ये कद्दू के लिए तैयारी कर रही हूँ। प्याज मैंने काट ली है और लाल मिर्च साबुत डालूंगी तो वो भी काट के रख ली है। और ये मैं अरबी डाल रही हूँ, हाथों से नहीं डाल रही, इसीलिए मैं जज्जर से डाल रही हूँ क्योंकि फिर खुजली होगी, इसलिए मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ। और बस अभी इसको मसाले के साथ मैं भुनने दूंगी, फिर इसमें पानी डालूंगी। तो अभी मैंने जो है इनको भुनने के लिए रख दी थी, तो मैं इसको चला के जो है इसमें पानी डाल दूंगी। और दूसरी कढ़ाई भी रख दी है ऑयल गर्म करने के लिए, तो अब इसमें पानी डाल दूंगी जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए, क्योंकि अभी इनको गलना भी है और ग्रेवी भी चाहिए। बस अभी ढक के रख दूंगी इसको, पकने दूंगी। और ये ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, और जीरा जब कलर चेंज हो जाएगा तब मैं मेथी डालूंगी, क्योंकि अगर मेथी साथ में डालती मेथी दाना तो वो जल जाता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस मेथी दाना डालने के बाद तुरंत मैंने प्याज डाल दी है और इस प्याज को फ्राई कर लूँगी। कद्दू जो है काट के रख लिया है, और आज मैं पिसी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, जो साबुत लाल मिर्ची होती है ना उसको काट के डाल रही हूँ। तो बस प्याज फ्राई हो गई है तो उसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। और ये साबुत लाल मिर्च है वो मैंने काट के रख ली थी तो वो भी डाल दी है, और धनिया पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, और नमक डालेंगे। तो अभी मैं भूल गई थी कि नमक मैंने अरबी में नहीं डाला है, क्योंकि मैं याद कर रही थी कि मैंने नमक का डब्बा नहीं खोला है, तो मैं अभी अरबी में भी नमक डालूंगी क्योंकि अभी अरबी में नमक नहीं डाला है।
तो बस अभी ये मसाले सारे मिक्स करके मैं कद्दू भी डाल दिया, कद्दू को मिक्स कर दूंगी। तो बस इसको दबा के रख दिया है और ये गलने तक पका लूंगी। तो मैं नमक टेस्ट कर रही हूँ, तो हम इसमें नमक डालूंगी। ऐसा होता है कभी कभी कि सब्जी बनाते हुए भूल जाते हैं, लेकिन टेस्ट कर लो, फिर बाद में भी डाल सकते हैं नमक। तो बस अभी ये दोनों सब्जियां बन रही हैं और अब मैं गूंद रही हूँ आटा। तो बस आटा गूंद गया है और इसको मैं निकाल कर रख लूंगी और ये जो बर्तन है बाई को दे दूंगी, क्योंकि बाई अभी बर्तन मांज रही है। तो ये आटा जो है मैंने अभी फ्रीज में रख दिया है। तो अब इसको एक बार चला दूंगी जिससे जो मसाला है अच्छे से मिक्स हो जाए। अरबी को भी मैं चेक कर लूंगी, तो ये गल गई है, तो थोड़ा सा और पकने दूंगी। और अभी जो है अरबी की गैस जो है मैंने बंद कर दी थी, तो अभी अरबी को एक बार और देख रही हूँ। तो बस ये धनिया डाल दूंगी इसमें और एक नींबू डाल दूंगी काट के, नींबू का रस। क्योंकि अरबी में थोड़ा सा खट्टापन जो है अच्छा लगता है, तो इसलिए नींबू डाल रही हूँ मैं। वैसे आगे भी डाल के खा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा इसमें पूरी में ही डाल देती हूँ। तो ये कद्दू जो है अभी गला नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो अभी कद्दू को जो है मैं इस वाली गैस पे रख दूंगी और इस पे मैं रोटियां सेक लूंगी, क्योंकि जब तक कद्दू बनेगा जब तक रोटियां ही बन जाएंगी, तो दोनों काम जो है साथ में हो जाएंगे। तो रोटी जो है बन गई है और सब्जी भी दोनों बन के तैयार हो गई हैं। तो खाना तो मेरा बन गया है, अब थोड़ी सी बस सफाई करनी है, बर्तन जमाने हैं। और आज मैं जो है सारी रोटियों पे एक साथ ही घी लगा कर रख रही हूँ, क्योंकि गर्म रोटियों में घी अच्छे से लग जाता है, और फिर अगर कोई थोड़ी देर बाद खाता है रोटी तो फिर वो ठंडी हो जाती है और फिर घी लगाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं गर्म रोटी पे ही घी लगा रही हूँ। और अब मैं साफ करूंगी गैस को। तो सुबह जो है चाय निकल गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा जल गया है। और मैं जो है हमेशा ऐसा ही आदत है कि खाना मतलब पूरा बनने के बाद ही अच्छे से साफ करती हूँ, बीच में नहीं करती हूँ। तो अभी मैंने जो है वही कपड़ा यूज कर लिया है जिससे मैं प्लेट चम्मच पकड़ रही थी, क्योंकि मैंने सोचा इस कपड़े को मैं धोकर डालने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा इसी से मैं जो है गैस को साफ कर लेती हूँ, क्योंकि दूसरा वाला कपड़ा जो है मिल नहीं रहा था और मुझे जो है जल्दी से करना था, क्योंकि मुझे बेटू को लेने जाना है और टाइम हो रहा था। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में वही कपड़ा यूज कर लिया है। तो बस गैस साफ हो गई, अब मैं इस एरिया को भी साफ कर दूंगी। और अभी दूध भी आ गया था, तो दूध भी गर्म करने रख देती हूँ।
अब मैं बर्तन लगा दूंगी, क्योंकि बाद में बस खाने के बाद यही दो काम रह जाते हैं, एक बर्तन लगाना और सिंक और वॉश बेसिन साफ करना। फिर जो है सारे काम फिनिश हो जाते हैं और फिर मैं बिट्टू को लेने जाऊंगी, क्योंकि टाइम हो गया है, 1:15 बज गए हैं और मैं घड़ी देखती जा रही हूँ और जल्दी जल्दी जो है फटाफट से बर्तन जो है लगाती जा रही हूँ, क्योंकि 1 बजे मुझे करेक्ट 1 बजे जाना है। तो अभी रात का टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं और अभी बच्चे जाग रहे हैं, हिनाया खेल रहे हैं और बेटी इधर बैठी हुई है। तो बस अभी मैं बैठी हुई थी, आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी, तो काफ़ी लोगों का मतलब कमेंट आ रहा है कि आप जो है पूरी की रेसिपी और पूरी का जो आटा गूंथते हैं उसको मतलब पूरी रेसिपी शेयर करें। तो मैं बहुत जल्द शेयर करूंगी, क्योंकि वैसे मैं सोच रही थी कल ही कर दूं, लेकिन कल तो जो है संडे है, तो कल शायद नॉनवेज वगैरह बनेगा, तो इसलिए कल तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन परसों सोमवार को जरूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन क्लिक ज़रूर करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।